యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. और मजबूत किया जाए जिससे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया पार्टी को जीत मिल सके. पार्टी की जीत देश की जीत होगी. पार्टी की देश की जीत हम सब की जीत होगी. कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि कहीं आगे की सोच है. हमेशा से एक आंदोलन रही है. कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय जीवन का 133 वर्षों में इसीलिए अभिन्न अंग है क्योंकि इसमें लोगों को संपूर्ण भारतीय संस्कृति की तस्वीर दिखाई देती है. आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस नए अध्यक्ष के नेतृत्व में वह पार्टी बने जो एक बार फिर हमारे देश का बुनियादी एजेंडा तय करे. कांग्रेस वह पार्टी बने जो एक बार फिर हमारे देश की विविधता भरे समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की नुमाइंदगी करे. कांग्रेस वह पार्टी बने जो एक बार फिर देश के राजनीतिक और सार्वजनिक संवाद की सूत्रधार बने. 40 वर्ष पहले चिकमंगलूर में इंदिरा जी की शानदार जीत ने देश की राजनीति को पलटकर रख दिया और कांग्रेस एक बार फिर शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी. मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का एक बार फिर ऐसा शानदार प्रदर्शन हो जिससे देश की राजनीति को एक नई दिशा मिले. गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारे आहार के प्रदर्शन से पता चलता है कि जो लोग देश की राजनीति से हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते थे उन्हें ये भी अंदाज नहीं था कि अभी भी लोगों के दिलों में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना गहरा सम्मान है. सद्भाव. साथियों, मुझे 2 दशक तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का गौरव मिला. राजनीति में मेरे प्रवेश का कारण आप सभी जानते ही हैं. परिस्थितियों ने मुझे सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया. एक ऐसी दुनिया में जिसमें मैं कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है, एक ऐसी दुनिया में जिसमें मैं कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है और हमारे बुनियादी उसूल खतरे में है, तब कांग्रेस जनों की भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने कांग्रेस के नेतृत्व को संभाला. आप में से एक एक व्यक्ति के सद्भाव, समझ और समर्थन ने
मुझे शक्ति दी। आज जब मैं मुड़कर पीछे देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि हमारी पार्टी ने लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कितनी मेहनत की है। एक एक कदम बढ़ाकर हमने 1998 से 2004 के बीच बहुत से राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई। इन सरकारों की उपलब्धियों ने पार्टी को मजबूत बनाया, इससे पार्टी को हौसला और ताकत मिली। 1998 में पचमढ़ी के चिंतन शिविर में हुई चर्चा के दौरान आम राय बनी थी कि कांग्रेस को दूसरे दलों से गठबंधन नहीं काम करना चाहिए, लेकिन इसके बाद के 5 साल में बदलते राजनीतिक माहौल के साथ 2003 के शिमला शिविर में हमने समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इससे 2004 में वह मंजिल हासिल की जो लोगों को असंभव लग रहा था। केंद्र में कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनाई। उस दौरान हम अपने संकल्पों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। यही वजह है कि 2009 में हमें और भी बड़ा जनादेश मिला। हमारी यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। आर्थिक वृद्धि की दर अभी तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रही। देशवासियों के सशक्तिकरण की कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजनाएं लागू हुई, कानून बनाए गए, महात्मा गांधी नरेगा, वन अधिकार, भूमि अधिग्रहण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानूनों से करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। यह आर्थिक सुधारों को एक गहरा सामाजिक अर्थ देने की हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता का परिणाम था। आज ये देखकर मुझे अफसोस ही नहीं बल्कि बहुत दुख होता है कि इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को मोदी सरकार कमजोर कर रही है, उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पिछले 4 साल में कांग्रेस को तबाह करने के लिए अहंकारी और सत्ता के नशे मदमस्त सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। साम दाम दान भेद का खुला खेल चल रहा है, लेकिन सत्ता के अहंकार के आगे कांग्रेस ना तो कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी। उल्टे मोदी सरकार के तानाशाही तौर तरीकों, संविधान की उपेक्षा, संसद का अनादर, उनकी विभाजनकारी विचारधारा,
विपक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाना और मीडिया को सताना जैसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में कांग्रेस आगे रहकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों के झूठे फर्जी दावों, फ्रॉड और भ्रष्टाचार का हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास मैं उन राज्यों के अपने कार्यकर्ताओं की सच्चे दिल से तारीफ करना चाहती हूँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है। वहाँ हर तरह के अत्याचार झेल कर और तमाम तकलीफ उठाकर भी कांग्रेस के हमारे साथी राज्य सरकारों के अपराधों और उनकी असफलताओं को उजागर करने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, यह हमारी कांग्रेस पार्टी ही है जो हर हाल में लोगों से जुड़ी रहती है, उनके साथ खड़ी रहती है। यह हमारी कांग्रेस पार्टी ही है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और संघर्ष में आगे रहती है। यह हमारे कांग्रेस पार्टी ही है जिसने राष्ट्र निर्माण से सबसे ज्यादा योगदान किया है। आज जब कांग्रेस के लंबे शानदार और प्रभावशाली इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक कठोर संघर्ष भी हमारे सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष और हम सभी के सामने जो चुनौतियां है वह मामूली नहीं, उसका हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। हमें ऐसे भारत बनाने के लिए संघर्ष करना है जो सत्ता के भय से मुक्त हो, जो सत्ता की मनमानी से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के जीवन की गरिमा बनी रहे, पक्षपात मुक्त भारत, प्रतिशोध मुक्त भारत, अहंकार मुक्त भारत। इसके लिए एक एक कांग्रेस जान को हर बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। इसीलिए आज हम कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि ऐसा भारत बनाने के लिए हम हर संघर्ष करेंगे, हर कुर्बानी देंगे और कांग्रेस को कामयाबी की बुलंदी पर लेके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के इस ऐतिहासिक और ऊर्जा से उत्प्रोत संबोधन के लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस सत्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे नई जिंदगी और नई ऊर्जा सारे कांग्रेस के लोगों में आ गई हो। मैडम का दिल की गहराइयों से समस्त कांग्रेसजनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।